देखते हैं क्लास 12th में आज एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है इसका, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव करना है जो नीचे लिखे हुए। पहला क्वेश्चन है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, और x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग को ये प्रूव करना है बच्चों। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे LHS में देखिए तो 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा है, RHS में साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये थोड़ी साइड बड़ी है तो इससे हम लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे, RHS पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे RHS पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। तो हम लोग ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले का एक टाइप लिखा है, एक साइन 3 थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों। साइन 3 थीटा फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं यहाँ देखिए, जहाँ से 3x जगह देखिए साइन थीटा रखूँ तो फॉर्मूला यही बनेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि x की जगह हम लोग साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो मतलब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स x। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पुट करेंगे साइन इनवर्स 3 की जगह 3, x जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, साइन थीटा पहले। तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों किसका, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, साइन 3 थीटा हम लोग लिखेंगे, और आपको मालूम होगा साइन इनवर्स और साइन दोनों अपोजिट होते हैं तो हट जाएंगे, तो क्या बचेगा ओनली यहाँ पे 3 थीटा। और थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ बताइए क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी लगेगा, वहाँ पे आप क्या करिएगा कि एक्स की जगह कॉस कॉस पुट कर दीजिएगा, तो वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग LHS पार्ट ले लेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। देखिए ध्यान से, LHS में क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला उन्होंने पढ़ाया 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला 10 इनवर्स ए प्लस बी, अब वन माइनस ए बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ये का फॉर्मूला यूज होता है बच्चों, जब ए बी की वैल्यू क्या होती है, जो ए बी है वो लेस देन होता है बच्चों किससे, 1 से। ए बी की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चेक कर लीजिए, 2/11 एंड 7/24 की वैल्यू क्या है, 1 से कम होगी, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो 10 इनवर्स यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 11 इंटू 24 एलसीएम ले लेंगे, 24 यहाँ जाएगा, 24 टू जा 48 और 11 7 जा 77, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24 यहाँ पर जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 7 टू जा 40, ये दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर कितना बचेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ऊपर बचेगा 8 7 15, 7 4 11 1 12, और यहाँ पहले इंटू कर लेंगे, 11 44, 11 22, और 22 और 4 26 माइनस का 14, और 10 इनवर्स 125 अपॉन में 250 1/2। तो क्या है 10 इनवर्स कितना आ गया बच्चों आंसर, 1/2। ठीक है, समझ आया बच्चों को। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बच्चों लगना है यहाँ पे, 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का बच्चों फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ठीक है, और सॉल्व कर लिया उसको, आंसर आ गया 10 इनवर्स 1/2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th वाला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 2 10 इनवर्स 1/2
प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17 बच्चों, ये सिद्ध करना हम लोग को। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को। तो LHS पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे LHS पार्ट लिखते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x का, मतलब या a कह दीजिए या 2 tan इनवर्स a लिख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग पहले यहाँ पे यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स a। सो क्या करेंगे, सिंपल ये बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो क्या होता है वो जो फॉर्मूला, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2a, 2a मतलब 2 into 1/2, 2a, 2a क्या यहाँ पे 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ऊपर 2 से 2 बच्चों कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर tan इनवर्स ओनली 1 बचेगा अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो यहां देखिए 4 बन जाए 4, 4 बन गया 3, तो 3/4 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या जाएगा 4/3, ठीक है बच्चों, tan इनवर्स 1/7। 4 बन जा 4, 4 में बन गया 3 और ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4/3। अब देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, ये रहा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 से छोटी, तभी ये हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ए बी इज लेस देन 1। चेक कर लीजिए 4/3 इंटू 1/7 करेंगे तो 1 से छोटा आएगा बच्चों। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ऊपर एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ऊपर एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3 × 7 ले लेते हैं एलसीएम, ऐसे 7 × 4 = 28 यहाँ पे आ जाएगा, 3 × 1 = 3 यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 3 × 7 यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, तो 3 × 7 यहाँ 4 × 1 = 4 ये दोनों कट जाएंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा ऊपर बच्चों, 28 + 3 कितना होता है 31, और 7 × 21 = 21 गया बच्चों कितना बचेगा 17, ठीक है 31/17, ठीक है 28 + 3 = 31 हो गया, और 7 × 21 और 21 × 4 जाएगा कितना बचेगा 17 बचेगा, ओके बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो प्रूव नहीं करना है हम लोग को, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों हम लोग को लिखना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, एक्स डजेंट इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इस टाइप में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ पे, जब ऐसे कभी क्वेश्चंस में लिख के आ जाए, मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये तो दोनों सेम चीज़ है बच्चों यहाँ पे, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हम लोग को लेट करना होता है। इन दोनों पार्ट में जो देख रहे हैं आप यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे। आप पूछे क्यों टेन थीटा, क्यों, क्योंकि बच्चों जब टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 + tan² बच्चों फॉर्मूला बनेगा sec² थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब कभी 1 - x² आ जाए, 1 - x² आपको दिख जाए कहीं पे भी, तो आप x की जगह या तो sin थीटा पुट करेंगे या तो फिर cos थीटा पुट करेंगे, ठीक है, sin थीटा या फिर cos थीटा पुट करेंगे। ये चीज ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा, ये sin थीटा पुट करेंगे या तो फिर cos थीटा पुट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे x² - 1 आ जाए तो आप x की जगह sec थीटा पुट करिए या फिर cos sec थीटा पुट करिए यहाँ पे, ठीक है, sec पुट करिए या फिर cos sec पुट करिए। तो आप जब sec थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा sec² - 1 क्या होता है बच्चों, tan² थीटा, या cos sec पुट करेंगे तो cot² बन जाएगा बच्चों। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि 1 + x² होगा या x² + 1 होगा तो tan थीटा पुट करना है, 1 - x² होगा तो sin या cos पुट करना है, और x² - 1 होगा तो sec या cos sec पुट करना है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 1 + x² हम लोग क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x की जगह कितना 10 थीटा,
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह टेन थीटा, दैट मीन्स थीटा की जगह हमने क्या पुट किया है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए, टेन थीटा को निकालना हो तो टेन इनवर्स एक्स, तो पहले आप एक्स की जगह टेन थीटा पुट कीजिए, तो टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा, तो टेन इनवर्स वन प्लस टेन सब जो क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे बाहर क्या जाएगा sec थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा, टेन इनवर्स sec को जो चेंज कर लेंगे तो क्या लिखेंगे वन अपॉन cos थीटा माइनस वन, और टेन थीटा को लिख देंगे बच्चों sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अच्छा cos LCM ले लेंगे, यहाँ पे जाए cos से cos बच्चों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स वन माइनस cos थीटा अपॉन में क्या जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ एंगल के बच्चों, यहाँ पे हम लोग तो एक कॉस सिंस कॉस का एक फॉर्मूला होता है जो साइन में होता है, साइन में क्योंकि वन कट जाएगा बच्चों, फॉर्मूला होता है क्या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का हाफ एंगल का बच्चों, क्या होता है तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, जो ये फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूले को और उसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वन की जगह वन कॉस की जगह बच्चों ये रखेंगे तो वन और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, वन से वन कट जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा यहाँ बताइए बच्चों, यहां बचेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू क्या जाएगा बच्चों कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस बचेगा ओनली, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, और ये हट जाएगा बच्चों क्या बचेगा बताइए थीटा बाई टू, और हम लोग क्या पुट कर देंगे वन बाई टू अलग कर लेंगे और थीटा की जगह पुट कर देंगे वैल्यू बच्चों टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, वन बाई टू मतलब अलग कर देंगे और थीटा जगह पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, आया समझ सबको, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है बच्चों टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन ओनली वन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है तो इसका मतलब है क्या बच्चों कि यहाँ पे हम लोग एक्स जगह क्या पुट करेंगे सेक थीटा पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, अगर हम लोग सेक थीटा पुट करते हैं बच्चों तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तो पुट करेंगे बच्चों पहले यहाँ पे टेन इनवर्स और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे एक्स या बच्चों सेक थीटा पुट कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन बच्चों क्या होता है हाँ बच्चों टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर स्क्वायर बच्चों हट जाएगा तो क्या बचेगा टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा, और टेन बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों कॉट, लेकिन दिक्कत है इस बार हटेगा नहीं क्योंकि हाँ टेन है यहाँ पे क्या है कॉट, तो कॉट को हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या लिख लेंगे कॉट को बच्चों बताइए, कॉट को लिख लेंगे हम लोग टेन नाइन्टी माइनस थीटा, ले सकते हैं टेन नाइन्टी माइनस पाई बाई टू माइनस का थीटा, तो ये हट जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस का थीटा, और पाई बाई टू की जगह पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चों बताइए सेक इनवर्स एक्स, और आप लोग को मालूम होगा कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पाई बाई टू, तो मैं पूछूं पाई बाई टू माइनस का sec इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे cosec इनवर्स x। ठीक है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो ये है हम लोग का नीचे वाला, तो नीचे वाला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लीजिए सभी आंसर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन बच्चों, तो टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस
कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स, और एक्स इज लेस देन पाई, पाई से छोटा है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले दो यूज करेंगे। कॉस एक्स का फॉर्मूला जो हाफ एंगल का बच्चों होता है, एक होता है वन माइनस टू साइन ए स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है टू कॉस स्क्वायर, जो उसमें पहले कॉस होता है एक्स बाई टू माइनस वन। क्योंकि यहाँ पे देखिए वन लिखा है, तो वन को काटने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले अगर वन को काटना है तो माइनस लगाया तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, यहाँ प्लस लगाया तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो यूज करते हैं फॉर्मूले को बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिख देना सिंस, तो टेन इनवर्स वन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस, ये वाला हम लोग यूज करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। ठीक है बच्चों, वन से वन कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा, और टू से टू बच्चों काट देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जब वन से वन कटने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, पहले लिख देते हैं क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, और टू से टू काट देंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर, और स्क्वायर से बच्चों रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन एक्स बाई टू बचेगा बच्चों, और टेन से टेन हट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स बाई टू। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया भाई, टू से टू कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन होता है, और टेन से मतलब टेन एक्स बाई टू, क्योंकि रूट हटेगा यहाँ से, और टेन से टेन क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स बाई टू। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एट देखते हैं सॉरी, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे भी एक्स ये लो पाई से छोटी है। ठीक है, चलिए देखिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा पहले इसको सॉल्विंग करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले का बनाने की कोशिश करेंगे कि 10 का फॉर्मूला बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर में किए हैं कि इतना सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते थे, कॉस एक्स का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय द कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे ही डिवाइड करोगे कॉस एक्स का ऊपर और नीचे बच्चों, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स बच्चों यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स, यहाँ भी वही वन प्लस, यहाँ पे भी टेन एक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले कॉस एक्स का ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वन को हम लोग लिख देंगे टेन पाई बाई फोर, और प्लस प्लस नहीं सॉरी यहां माइनस है, माइनस टेन एक्स, और इस वन को नहीं लिखना है क्योंकि वन को लिख देंगे फॉर्मूला नहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पे वन इंटू मानना पड़ेगा, और वन को लिख देंगे हम लोग क्या, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, तभी तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, वन होती है 45 की, तो तभी तो यहाँ पे फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी, ए क्या है बच्चों पाई बाई फोर माइनस का एक्स, टेन से टेन हट जाएगा बच्चों, पाई बाई फोर माइनस का एक्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर हम लोग का। ओके बच्चों, को देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नाइन लिखा है बच्चों यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मॉड एक्स की वैल्यू ए से छोटी है। अब देखिए ध्यान, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो आप x की जगह या तो साइन पुट करिए या तो कॉस पुट करिए। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे 1 माइनस नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे 1 ना हो बच्चों, जैसे 1 यहाँ पे होता तो हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स का साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। अब यहाँ पर जब 1 नहीं है, कुछ और वैल्यू जैसे मान लो कुछ भी है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर लिखा है, तो आप एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे जरूर, जैसे आप मानते हैं साइन थीटा ये जरूर पुट करें, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह बच्चों बताइए पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, जिससे कि कॉमन मिल सके बच्चों वहाँ पे और फॉर्मूला बन सके बच्चों। तो यहाँ पे ए साइन थीटा जैसे पुट करेंगे तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, कॉमन यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर बच्चों क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई ये रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर लगा दोनों पे, तो क्या बचेगा ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, ए से बच्चों कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों बताइए टेन थीटा, और टेन से टेन हट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा यहाँ पे थीटा। अब थीटा की जगह वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, सिंस एक्स इज इक्वल टू हमने क्या माना था बच्चों ए साइन थीटा, नीचे भेजिए एक्स अपॉन ए कर लीजिए पहले, एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह आप क्या पुट कर देंगे बच्चों बताइए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा अब यहाँ पे x इक्वल टू ए कॉस थीटा ही पुट करते हैं तब भी सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आंसर आएगा, आंसर यही आएगा। अगर आप कॉस थीटा पुट करते हैं ए कॉस थीटा, तो देखिए कैसे करेंगे, पुट x इक्वल टू ए कॉस थीटा, सेम आंसर आएगा बच्चों, टेन इनवर्स ए कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो tan इनवर्स a cos थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, और वन माइनस cos स्क्वायर बच्चों क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा होता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, ए साइन थीटा ए से कट जाएगा, और कॉस अपॉन साइन बच्चों क्या होता है बताइए जल्दी से, कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉट थीटा आ जाएगा फिर, और कॉट को हटाने के लिए मालूम आप लोगों को क्या करते हैं, तो टेन नाइन्टी माइनस थीटा लिखेंगे, टेन पाई बाई टू माइनस का थीटा, और टेन से टेन हट जाएगा बच्चों क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस का थीटा। अब जब आप पाई बाई टू की जगह पाई बाई टू थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो क्या निकलेगा बच्चों बताइए, वही तो निकले कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आप फॉर्मूला तो जानते होंगे, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बच्चों पाई बाई टू होता है, तो आप बताइए पाई बाई टू माइनस का, अब यहाँ पे एक्स अपॉन ए लिखा है, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, आंसर दोनों से ही सेम आएगा बच्चों, चाहे इससे करिए आप चाहे इससे करिए, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, यहाँ पे डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन, देख लेते हैं, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में वन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, और एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई रूट थ्री से लेस देन इक्वल टू ए बाई रूट थ्री है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस का पार्ट ये मेन है हम लोग का, इसमें एक्स की कंडीशन लिखी होती है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से एक फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, उसी फॉर्मूले से हिसाब से देखिए आप, यहाँ पे एक टेन थ्री थीटा जो फॉर्मूला होता है, थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कहीं ना कहीं गौर करिए आप, ये फॉर्मूला इसी पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लग रहा है, तो बस यहाँ पे ए एक्स्ट्रा लिखा, तो आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे जल्दी से बताइए, तो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा बच्चों पुट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों क्या पुट हो जाएगा ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए टेन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे
ये देखिए ए क्यूब हो जाएगा, ये भी ए क्यूब, ए क्यूब सब ए क्यूब हो जाएगा तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे कॉमन लेके काट देंगे, 3 tan theta माइनस का 10 cube theta अपॉन में 1, या तो 1 ही बचेगा, 1 माइनस 3 tan square theta बचो। तो अभी बताइए यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, 10 3 theta का, 10 3 theta बच्चों हट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 3 theta, और सिंस x इज इक्वल टू क्या माना था हम लोगों ने, a tan theta बच्चों माना था हम लोगों ने, तो नीचे भेज देंगे तो x अपॉन a, ये क्या हो जाएगा 10 theta, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों बताइए क्या आ जाएगा जल्दी से, tan इनवर्स x अपॉन a, तो आप क्या करेंगे थीटा की जगह आप tan इनवर्स 3 की जगह 3 लिखेंगे, tan इनवर्स थीटा की जगह tan इनवर्स x अपॉन a। ओके बच्चों यहाँ पे तो फॉर्मूला बच्चों नोट कर लीजिए, 10 3 theta फॉर्मूला, 3 tan theta माइनस का 10 cube theta अपॉन में 1 minus 3 tan square theta, ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, और उसी फॉर्मूले को मैंने 10 3 theta यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 11 में लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लेते हैं पहले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखा है tan इनवर्स 2 cos, फिर ब्रैकेट 2 sin inverse 1/2 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट क्लोज बच्चों। ठीक है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करना होता हम लोग को, 2 cos 2 sin inverse, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन में 30 की वैल्यू 1/2, 30 का मतलब पाई बाई 6 की, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 6 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा साइन साइन हटेगा तो क्या बचेगा बताइए जल्दी से, यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बताइए, 2 pi/6। ओके बच्चों 2 से पाई बाई 6 को काट देंगे तो 6 को काट देंगे तो 3 बचेगा, तो tan इनवर्स 2 अब क्या बचेगा cos π/3, π/3 का मतलब 60 हो गया भाई, π/3 का मतलब 60 हो गया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 × 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 बचेगा, 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों 10 में, 10 45 की होती है, 45 का मतलब होता है π/4 होता है, तो यहाँ पे 10 से 10 हट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा π/4। ओके बच्चों समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सिंपल सी बात है कि यहाँ से पहले 1/2 की वैल्यू, फिर सॉल्व किया, फिर कॉस की वैल्यू रखी, फिर मैंने 1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है तो इतने क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बच्चों कि cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। देखिए बच्चों यहाँ से tan इनवर्स, अच्छा ये बताइए सिंस tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a होता क्या है, ने फॉर्मूला ही बताया पहले से, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होता है π/2, तो अब यहाँ π/2 पुट कर दीजिए, cot यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, और cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बच्चों क्या होता है π/2 होता है, π/2 मैंने पुट कर दिया, cot π/2 कितना होता है बच्चों 0 होता है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे लेते हैं बच्चों, tan इनवर्स नहीं है, tan 1/2 है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपन 1 प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, एंड xy इज लेस देन 1। ठीक है देखिए ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पे x और y ध्यान से देखिए, अगर मैं x और y की बात करूं यहाँ पर, तो आप एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो कि 10 में होता है, क्या होता है बच्चों बताइए, साइन 2 थीटा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan theta अपॉन में 1 प्लस 10 square theta, ये होता है बच्चों।
और एक फॉर्मूला होता है जो कॉस का टेन में होता है बच्चों, क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूले का रूप ही तो लिखा है बच्चों, तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ये फॉर्मूले हैं दोनों टेन वन बाई टू, ये साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में, तो ये किसका बच्चों फॉर्मूला है बच्चों, टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का, और ये किसका बच्चों फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है बच्चों। ध्यान से देखिए साइन टू थीटा बच्चों इसी फॉर्म में, तो टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर, तो देखिए टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर, तो फॉर्मूला किसका होगा, टू टेन इनवर्स एक्स का, टू कॉमन लेंगे तो कट जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टेन, और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अच्छा देखिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू एक से छोटी है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों वही वाला बच्चों, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, और टेन से टेन हट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। समझाया बच्चों, बच्चों को ये फॉर्मूला समझाया, टू टेन इनवर्स इसका कैसे बच्चों बना यहाँ पे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देखिए हमने, जैसे हमने मान लीजिए एक्स की जगह टेन थीटा पुट किया, अगर एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन टू थीटा का, तो साइन साइन हट जाएगा, टू थीटा बचेगा, और थीटा की जगह हम लोग फिर क्या पुट कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए आप सीधे सीधे कि साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एक्चुअली में टू टेन इनवर्स एक्स का लिखा है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है, जो साइन में होता है वो होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है टू टेन इनवर्स एक्स का जो होता है बच्चों वो कॉस में भी होता है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले ये दोनों यूज मैंने यहाँ पे किए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स की जगह टेन थीटा मान लीजिए, वाई की जगह टेन फाई मान लीजिए, फिर कर लीजिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा बच्चों यहाँ पे।